पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 231 उम्मीदवारों के नामांकन वैध, 190 नामांकन खारिज। घोषणा पत्र तैयार करने भाजपा की घोषणा पत्र समिति की बैठक में हुई चर्चा, कांग्रेस भी घोषणा पत्र तैयार करने प्रदेश भर में लोगों से कर रही राय शुमारी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, जिला मुख्यालय में तैयारी को लेकर आयोजित की गई बैठक। और मतदाताओं को जागरूक करने स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रहे अनेक कार्यक्रम, दुर्ग में कलश यात्रा के जरिए किया गया मतदान के लिए प्रेरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 231 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं, वहीं 190 नामांकन फॉर्म त्रुटि के कारण खारिज कर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा में 19, डोंगरगढ़ में 11, राजनांदगांव में 40, डोंगरगांव में 14, खुज्जी में 18 और मोहला मानपुर विधानसभा सीट में 10 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। इसी तरह बस्तर संभाग के कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14, भानुप्रतापपुर में 10 और कांकेर विधानसभा में 8 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा में 9 और कोंडागांव में 5 उम्मीदवारों के तथा नारायणपुर के 8 उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं। बस्तर जिले के बस्तर विधानसभा में 6, जगदलपुर में 25 और चित्रकूट विधानसभा में 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र को तैयार करने में जुटी हुई हैं। भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक में अलग अलग सुझावों को लेकर चर्चा की गई। बताया जाता है कि भाजपा का घोषणा पत्र विकास पर आधारित होगा। समिति के बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, उसे अंतिम रूप देना बाकी है। घोषणा पत्र के कल यहाँ पर समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसको अंतिम रूपरेखा कच्चा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, अंतिम रूपरेखा उसको दे रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट करने के बाद उसको घोषित करेंगे। उधर कांग्रेस घोषणा पत्र तैयार करने लोगों से राय शुमारी कर रही है। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने बीजापुर के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ही पार्टी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देगी। यहाँ क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो बातें सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए अभी लोगों ने बताया कि एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध हो पा रहा, जिसके चलते बहुत दिक्कत जा रही है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कम से कम धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएगी, साथ में गन्ने, मक्के, चना, गेहूं जैसे फसलों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध होंगे। जो लोन किसानों ने ले रखा है उसकी माफी की बात राहुल जी बोल के गए हैं लागू होगा। आउटसोर्सिंग पूरी तरह से समाप्त होगा। एक भी कर्मी जो अनियमित रूप से डेली वेजेस में आज काम कर रहा है शासकीय पदों में, एक हमारा लड़का एक हमारी बच्ची को हटाया नहीं जाएगा और कैसे उनको नियमित कर सकते हैं वो देखा जाएगा। बीजापुर में श्री सिंहदेव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बीजापुर का दौरा किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी।
इस दौरान बीजापुर प्रत्याशी सकनी चंद्रैया और यमुना सकनी भी मौजूद थे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप शर्मा ने जनपद पंचायत फरसाबहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अमड़ीहा ग्राम पंचायत के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अमड़ीहा ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कला जत्था द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सोशल मीडिया के जरिए पता लगते ही रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत आपके क्षेत्राधिकार में आता है तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई भी आपके खिलाफ क्यों न की जाए। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए 3:10 खबरें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। आईटीबीपी के महानिदेशक आर के पचनंदा और वरिष्ठ अधिकारी समारोह में मौजूद थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हीरा सिंह मरकाम ने बिलासपुर में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी यहां 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्री मरकाम ने बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अभी 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में आवश्यक रखरखाव के कारण आगामी 4 नवंबर तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कुछ एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस रूट पर रद्द होने वाली गाड़ियों में टाटानगर इतवारी टाटानगर पैसेंजर शामिल हैं। इसी तरह हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट देरी से चलेगी। सुनो रे भाई सुनो, हम सब ने ठाना है सबको मतदान कराना है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं, वोटर कार्ड सभी बनाएं। इन्हीं नारों के साथ कुछ अलग अंदाज में राजनांदगांव जिले में महाविद्यालय विद्यार्थी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिग्विजय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने छुई खदान में नुक्कड़ नाटक के जरिए मताधिकार के महत्व को बताया। रायपुर जिले के आरंग तहसील मुख्यालय में महिलाओं ने आकर्षक मतदान दीप श्रृंखला बनाई। यहां महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और मतदान दीप जलाए। वहीं टेकारी में भी इसी तरह का आयोजन किया गया। इस बीच धरसीवा में बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित किया गया। बस्तर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को मतदान का आमंत्रण देने स्वीप बोट यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रही हैं। ये कार्यकर्ता और सहायिकाएं मतदाताओं को सुपारी हल्दी और चावल देकर मतदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को गति प्रदान करने कोरबा जिला मुख्यालय में वोटर सेल्फी जोन और मतदाता सहायता केंद्र का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। मैं हूं मतदाता भारत भाग्य विधाता थीम पर आधारित इस वोटर सेल्फी जोन के जरिए मतदाताओं के अधिकार और कर्तव्य के साथ लोकतंत्र के निर्माण में जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा। शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के मंदिरों और अनेक स्थानों पर खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। राजनांदगांव में भी मां पाताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। आज ब्रह्म मुहूर्त में देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मां पाताल भैरवी का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। ओमान के मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पिछले चैंपियन भारत ने 5वें और अंतिम राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत के हरमनप्रीत ने हैट्रिक लगाई और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत टूर्नामेंट में 5 मैचों में से 4 मैच जीतकर 13 अंक लेकर शीर्ष पर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जैसे ही 81 रन का आंकड़ा छुआ वे एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के 5वें और दुनिया के 13वें खिलाड़ी बन गए। अब कुछ खबरें विस्तार से। कल दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण में प्रदेश के 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारियों के लिए बैठकों का दौर जारी है। दुर्ग जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्ग रेंज के कमिश्नर दिलीप वासनीकर, पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह, कलेक्टर उमेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक डॉ संजीव शुक्ला और आला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में अधिकारियों ने जिले में निर्वाचन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। बैठक के बाद कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने जिला और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से काम करेंगे, वहीं शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। हमने पूरे निर्वाचन के दौरान एमसीसी का पालन हो, कहीं भी कोई विवाद की स्थिति निर्मित न हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव निष्पादित हो, मतदाताओं के चाहे दिव्यांग मतदाता हो सामान्य मतदाता हो उनको पूरी सुविधाएं मिलें, मतदान दल को सुविधाएं मिलें और जो भी समस्या आ सकती है उसका हम इमीडिएट कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, इस बारे में उनसे चर्चा की। बैठक में चुनाव को लेकर अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान कराने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग जिले में स्वीप योजना के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के ग्राम मुरमुंदा में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिन और शिक्षिकाओं सहित गांव की महिलाओं ने सिर पर कलश और हाथों में मतदान के लिए प्रेरित करते नारों की तख्तियां लेकर रैली निकाली। इस दौरान स्वीप के जिला नोडल अधिकारी गौरव सिंह ने इन महिलाओं को अपने अपने गांव में शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई। शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नोडल अधिकारी गौरव सिंह ने स्वीप के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिले में हम मतदाताओं को किस प्रकार मतदान केंद्र तक ला पाएं उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रभात फेरी, कलश यात्रा, दीपोत्सव, ह्यूमन चेन बनाकर, बच्चों द्वारा रैली निकालकर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नवाचार जैसे स्वीप सलाद, स्वीप मिठाई, मिठास प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, अन्य ऐसे तमाम उससे जिससे कि मतदाता जुड़ सके प्रयास किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाओं में जो उत्साह है उससे हम लोगों तक पहुंचे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन कड़ी चौकसी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जगह जगह वाहनों की जांच भी की जा रही है। हर शहर के बाहर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों के कागजात जांचे जा रहे हैं और वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। इसके अलावा शहरों में और अन्य स्थानों में पुलिस बल वाहन जांच में जुटी हुई है। आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस वाहनों से अवैध और आपत्तिजनक सामग्रियों को जब्त कर रही है। इसके अलावा सामग्री के क्रय विक्रय और वितरण पर राज्य कर विभाग कड़ी निगरानी रख रहा है। रायपुर स्थित राज्य कर विभाग के मुख्यालय सहित विभाग के 5 संभागीय कार्यालयों में इस कार्य के लिए समितियां गठित की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य कर आयुक्त ने क्रय विक्रय और वितरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए 6 समितियों का गठन किया है। प्रत्येक समिति प्राप्त होने वाले शिकायतों की जांच व्यवसायियों के लेन देन के आंकड़ों से करेगी। राज्य कर आयुक्त ने व्यवसायियों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-5382 और 98261-53917 तथा 93002-12296 भी जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी, 231 उम्मीदवारों के नामांकन वैध, 190 नामांकन खारिज। घोषणा पत्र तैयार करने भाजपा की घोषणा पत्र समिति की बैठक में हुई चर्चा। कांग्रेस भी घोषणा पत्र तैयार करने प्रदेश भर में लोगों से कर रही रायशुमारी।
दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। जिला मुख्यालयों में तैयारी को लेकर आयोजित की गई बैठक। और मतदाताओं को जागरूक करने स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रहे अनेक कार्यक्रम। दुर्ग में कलश यात्रा के जरिए किया गया मतदान के लिए प्रेरित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।